एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीप तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। हाई बन हेयर स्टाइल है जो कि आप इस तरीके के मेकअप के साथ कर सकते हो। ये मेकअप मैंने कैसे किया है इसकी वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया है। ब्लू ड्रेस के साथ आप ये मेकअप कर सकते हो। सिर्फ ओनली फाउंडेशन की मदद से मैंने ये मेकअप बनाया है। बिल्कुल बहुत नेचुरल लुक है। पार्टी में डे पार्टी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टा आई डी प्रीति वाई 24 है तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हाई बन हेयर स्टाइल। तो उसके लिए मैंने पहले एक अच्छा से सॉरी, मुझे कमेंट भी आया था कि मैम आप हेयर स्टाइल टूल्स ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो मेरी आदत हो गई है। मैं सामने रख के बैठती नहीं हूँ और जब मैं बनाने लगती हूँ हेयर स्टाइल तो कुछ कुछ चीज़ें ढूंढते रहती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो मैं यहाँ पे इस वाले मोटे वाले रबर बैंड की मदद से ये हेयर स्टाइल स्टार्ट बनाऊंगी और किस तरीके से बनाना है देखते रहिए। तो पूरा पूरे हेयर को अपना एक हाई पोनी टेल बना लोगे, अच्छे से कॉम करेंगे और हाई पोनी बनाएंगे। ओनली वन रबर बैंड से बन जाएगा आपका ये हेयर स्टाइल और बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वन रबर बैंड के साथ साथ आपको कुछ यूपिन्स भी चाहिए, तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब आपको इस हेयर स्टाइल में लॉन्ग से लेयर्स निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका जो हेयर स्टाइल है उसका लुक परफेक्ट नहीं आएगा। आपको साइड पार्टीशन रखनी है तो आप इस तरीके से साइड से लेयर्स ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है, देन अच्छे से कॉम करूँगी। लेयर्स आप निकाल लोगे इसके बाद से आपको पूरे बालों को एक हाई पोनीटेल बना लेना है। रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे बालों को। इस टाइप का लुक है तो आपके फेस पे थोड़ा सा वॉल्यूम वाला हेयर होना चाहिए, तो आप इस तरीके से खींच लेना। मैंने अभी हेयर वॉश किया है जिसकी वजह से मेरे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे जरूर यूज कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने सारे बालों को हल्का हल्का सा ट्विस्ट करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हल्के हैं तो आप अपने बालों में बैक कॉम्बिंग जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से, जिससे कि आपका जो बन है वो थोड़ा अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा दफ नहीं करना है बालों को, हल्का हल्का करना, जिससे कि आप जब बालों को सुलझाओगे तो ईजिली सुलझ जाए वो। अब हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, बैक कॉम्बिंग अंदर ही रहने देंगे। अब इस तरीके से पूरा लपेट के बहुत इजीली आपका बन आप क्रिएट हो जाएगा। यूपिन से इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। ओके, 3-4 यूपिन अच्छे से लगा लीजिएगा। और इस टाइप का बन बहुत स्टाइलिश भी लगता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। गर्ल्स हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने आपको खुले बाल पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बाकी का जो भी हेयर है आप इसको कर्ल्स करना चाहो कर्ल्स कर सकते हो, ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। देन जो भी बेबी हेयर्स हैं उनको अच्छे से सेट करने के लिए आपको इस तरीके का सेटिंग स्प्रे चाहिए। इसके बारे में पूरी रिव्यू दी हुई है अपने चैनल पर मैंने। मेकअप देखने के लिए सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा। सेटिंग स्प्रे को डायरेक्ट हेयर पे नहीं मारना है, पतले दांतों की कॉम लेनी है, देन इसको लगा देना है। जहाँ से भी आपको हेयर नहीं चाहिए वहाँ पे आप इस तरीके से कॉम कर दो तो आपका जो बेबी हेयर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा एंड बालों के साथ चिपक जाएगा। अगर आपके लेयर्स में भी जैसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रखा है, हेयर वॉश करते टाइम हमारे बालों का टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो आप सेटिंग स्प्रे एक रख लो अगर आपको डेली हेयर स्टाइल करना पसंद है तो। सेटिंग स्प्रे को थोड़ा सा कॉम पे लेंगे, जितने भी लेयर्स आपने निकाले हैं उन पर इस तरीके से मार के और हाथों की मदद से फिंगर से इस तरीके से कर दीजिए तो सेट रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। और फिर भी जिद्दी हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हल्का हल्का देना ताकि आपके फेस पे ना जाए स्प्रे।
और ये हमारा बन बन के रेडी हो गया। ओनली 2 से 3 मिनट में आप बना लोगे एंड बहुत स्टाइलिश लगेगा, अच्छा लगेगा। बड़े बड़े झुमकों के साथ आप इस तरीके से साड़ी के साथ भी ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।